एक ही रोटी से क्या हो गया, लाखों करोड़ों रोटियां बन गई। हमारे लिए जीवन की रोटी यीशु मसीह है, तो उसका प्रेम है, अपना आपको देने वाले प्रेम है। प्रेम है, पहले देता है, बाद में हमसे वापस लेता है। क्या करते हैं, पहले लेता है बाद में। तो केवल हम लेते ही रहेंगे, प्रभु को देंगे नहीं है, हमारा प्रेम में आनंद है नहीं होंगे। आनंद होगी तभी हम उसको प्रेम ले भी लें, लेना चाहिए और देते भी रहना। तो प्रेम का संबंध में हम मसीह के साथ हम आ गए हैं। अपना आपको उसने दिया है, एक सुगंध सुखदायक कुर्बान होके, मतलब मैंने कहा उसमें पाप नहीं था, पाप नहीं जानता था वो, उसमें पाप नहीं, उसने पाप नहीं किया, इस बातों को हम देख रहे। एकदम परफेक्ट सैक्रिफाइस है, उसने हमारे लिए समर्पित किया। इन बातों को हम पिछले गुरुवार की मीटिंग में हम देखे थे। आज इस एफिसियों की पत्री में से यीशु मसीह का प्रेम का दूसरा एक चित्र को हम देखने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए इसमें दो लेसन्स है इसके अंदर में। एक मसीह का प्रेम का भी एक शिक्षा है, साथ ही साथ पति पत्नी का प्रेम का भी एक शिक्षा है। कुछ लोग पति पत्नी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, है ना, कुछ लोग सिंगल वाला भी आए हुए हैं। सिंगल वाला सोचेंगे, पास्टर जी हम तो सिंगल वाला है, हमको पति पत्नी का टीचिंग हमें नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा मत सोचना, ये यीशु मसीह का प्रेम का संदेश है। उस प्रेम को समझाने के लिए यहाँ पर पौलुस क्या कर रहे हैं, पति पत्नी का अच्छा पति पत्नी मतलब जो सही ढंग से प्रेम से रहने वाले, उसका एग्जाम्पल को साथ में लेते हुए तीन बातों को यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। तीन बातों को यहाँ पर देखेंगे, मसीह कैसे कलीसिया को प्रेम कर रहे हैं। पत्नी लोग क्या, पति लोग क्या कर रहे हैं, पति को बेस्ट बेस्ट कपल का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। पति है, पत्नी को क्या करेगा, प्रेम करेगा ना, करना चाहिए कि नहीं, हाँ बोलो, पति पत्नी को प्रेम करना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए। देखो अभी शादी नहीं हुए, हिम्मत से कह रहे हैं, शादी हो गए वो लोग चुप रह रहे हैं, अगला कल्याण अगले पास्टर मैरिज हो जाएगी बाद में तो प्रेम तो करोगे, हाँ प्रेम तो करना। तो सच्चाई परिवार में कैसे होना चाहिए, वैसे ही पति पत्नी का जैसे होते हैं, वो परमेश्वर एक उदाहरण दे रहे, एक चित्र दे रहे हैं। देखो कोई भी दैविक सिद्धांत को मतलब ईश्वरीय सिद्धांत समझने के लिए हमेशा बाइबल में देखो, एक प्रकृति में मतलब दुनिया में जो सांसारिक जीवन में जो होने वाले चलने वाले एक दिखाने वाले एक चीज़ों को दिखाते हुए उस हंडे की बातों को हमें समझा रहे हैं, क्योंकि वो तो देख नहीं रहे हैं। मसीह और कलीसिया ये इसका रिश्ता को हम शारीरिक आंखों से देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन दुनिया में परिवारों में पति पत्नी का रिश्ता को हम देख रहे हैं, और उसके द्वारा उस चीज़ को हमें समझना है, इसको भी सही करना है, वो भी एक विचार है, उसमें भी एक भाग है। लेकिन मेन इस टीचिंग का मेन मकसद है मसीह कलीसिया को कैसे प्रेम कर रहे हैं, उसको हम समझना चाहिए। इसलिए भले शादीशुदा नहीं हो, शादी नहीं हुए होंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन मसीह और कलीसिया का प्रेम को आप समझ लेना चाहिए। तो इसलिए आज इस बातों को हम सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वचन एक पढ़ लेते हैं, यहोशू के 5 अध्याय उसका 23 वचन पढ़ना, 23 वचन। जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। देह का उद्धार करता है, देखो शरीर और सिर कैसे जुड़ा हुआ है, कभी अलग नहीं कर सकते। वैसे पति और पत्नी कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे कभी भी अलग नहीं कर सकते दुनिया में जीवन जिंदा रहने तक, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे कलीसिया और मसीह साथ में जुड़े हुए हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। वो सिर बन गया, सिर हटा देंगे तो शरीर का कोई काम
नहीं रहेगा। सिर मतलब मेन है, कलीसिया का मेन है, वही चरवा है। हम गाना गाए तू अच्छा चरवा, चरवा हेड है, वो पायलट है और लिख रहे उद्धार करता भी है। क्या है वो? उद्धार करता, वही कैप्टन है जहाज का, कैप्टन वो रक्षक है, उसको अगुवाई होना चाहिए, वही हेड होना चाहिए। एक बार एक जहाज जा रहे थे, एक छोटे बच्चे खेल रहे थे आराम से, जैसे बच्चे लोग खेल रहे हैं, लेकिन जहाज हिल रहा था, हाँ हवा के खातिर उछल रहा था इधर उधर। कभी जहाज में गए आप लोग? तो जहाज में क्या होते है, सेट होने में टाइम लगता है। नहीं, पहले दिन मैं गया था, मैं नौकरी में 21 साल में नौकरी में भेज दिया हमको, तो इतना डर था, हिंदी भाषा भी आते नहीं, बॉम्बे में एक जहाज में भेज दिया। पूरा एक दिन मेरे को पैर किधर है, सिर किधर है, पता ही नहीं चल रहा है, ऐसे ही पूरा दुनिया घूम रहा है, ऐसा लगेगा। तो ऐसी परिस्थिति में छोटा बच्चों को आंधी तूफान इतना हिल रहा था, लेकिन बच्चा आराम से खेल रहे थे। बोले भाई तुमको डर नहीं है? बोले मुझे कोई डर नहीं है। क्यों? मेरा पापा कप्तान के सीट में है। कौन बैठा है? इसका पापा एकदम कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, मेरा पापा एकदम मशहूर, एकदम अनुभवशाली कप्तान है, ये इससे भी बड़ा बड़ा आंधी तूफान को उसने सामना किया है। वो हेड होने से उद्धार करता है, हेड है इसलिए उद्धार करता है, वो कप्तान है इसलिए उद्धार करता है। कभी कभी लोग क्या करेंगे, कप्तान सीट में वो बैठे जाएंगे। प्लेन चलाते हुए देखा ना, पायलट होते, को पायलट होते, तो पायलट को बोलेंगे अरे तुम बैठ जाओ, मैं बैठ जा रहा हूँ, तुम पीछे बैठाओ, पीछे बैठा हुआ है। एरोप्लेन में माले में कभी भी जाते हैं, हर पैकेट्स बोलते हैं, फटक से नीचे गिरेगा, घबरा गया, बाद में बोला रहो बचाओ। भाई पहले से उसको कुर्सी पर बैठा दो, बचाते रहेंगे, क्योंकि लोग सोचते एक बार समस्या में हट गया भाई, बस अभी जरूरत नहीं ईश्वर जी, ऐसा नहीं होता। जिंदगी बार वो बैठना है, वही कप्तान बनेगा, कलीसिया का सिर वही है, वो सिर अटा नहीं जाएगा, उसको दूसरा अभी उसमें दूसरा एक सिर रख देंगे कैसे रहेगा। कभी कभी राक्षस देखते ना हम लोग कार्टून में, राक्षस होता है ना, उसके यहां से भी एक सिर आता है, तो ऐसा कलीसिया के लिए दूसरा सिर नहीं होगी। जैसे पत्नी के लिए भी पति सिर होगी, दूसरा सिर आएंगे तो वहां पर गड़बड़ हो जाता, नहीं तो ये सब आप लोग समझ लेंगे। तो ऐसे ही कलीसिया के लिए यीशु मसीह सिर है, वो उद्धार करता है, अगुवे है। सिर मतलब ऐसे बोलने के लिए नहीं, कुछ बोल बोलेंगे आप, कुछ भी बोलेंगे मैं कर दूंगा, चलो करो, हम बाद में देख लेता हूं। सिर का मतलब वो, सिर मतलब अगुवे करेगा, अगुवा आपको डायरेक्शन देगा, आपको इंस्ट्रक्शन देगा, आपको सिखाएगा, आपको हर दिन आपको सही मार्ग में ले जाएगा, तभी वो उद्धारकर्ता बनकर रहेगा आपके जीवन में। सबसे पहले हम कहते हैं ना, यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है। कैसे बोल रहे हैं? प्रभु और उद्धारकर्ता, रोमियो 10 में लिखा। केवल बचाएगा, कैसे बचाएंगे भाई? उसको कोने में रख दे, पीछे का सीट में रख दिए हैं, हाँ उसको हर होस्टेस बना दिए, मुझे चाय पानी देते रहो, एयर होस्टेस है वो, पायलट है, पायलट वो भी चीफ पायलट है, उसमें दो पायलट होते हैं, एक को पायलट है वो ऐसे उसका मदद करेगा, बस मेन पायलट एक होता है। तो चीफ होना चाहिए, वही ऑर्डर वही कमांड में होना चाहिए, उसका इंचार्ज में होना चाहिए, जहाज भी हो इवन गाड़ी भी हो। और अभी इसमें एक उल्टा बात है, पारिवारिक के लिए, पारिवारिक के लिए जो भी बोल रहा हूं वो कलीसिया के लिए भी लागू है। परिवार में, कोई परिवार में क्या होते है, पत्नी सिर बन जाएंगे, पति शरीर बन जाएंगे, क्या होता है, कौन सिर है अभी? तो पत्नी का मर्जी से मिस्टर जी का मर्जी से मिस्टर साहब, गुस्सा हो जाएगी, साहब गुस्सा हो जाएगी, वो तो बहुत मेरे को डर लग रहा है। मतलब क्या है, सिर कौन है? वेरी रेयरली, ज्यादा नहीं, आप ज्यादा कुछ मत होना,
ऐसे कम होते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या होते हैं, पति लोग होते हैं बोलेंगे मैं इंचार्ज हूं मेरे बात मानो, लेकिन जिम्मेदारी भी नहीं लेते, रक्षा नहीं करेंगे, उद्धार नहीं करेंगे, समझ जाते हैं कि भाग जाएंगे। एक बार बहुत साल के पहले की बात है, मैं और मेरे मिसेस छोटे छोटे बच्चे थे, आसाम में हम लोग कोई छठ जा रहे थे, रास्ता में एक बस स्टेशन में मैं और बच्चों के साथ जा रहा था, ये गाड़ी ऐसी तेजी से आया, मैं क्या किया अपना जान बचाने के लिए मैं भागा, अब याद नहीं उसको भागा चला गया, बाद में भी देखा मेरा मिसेस बच्चों लोग भी जा रहे, गाड़ी वाला अचानक ब्रेक डाला, बाद में मैं महसूस किया रे हम तो बहुत गलती किए हैं, पहले अपने बच्चों लोगों को हम बचाना, स्वार्थी होते हैं उस समय मेरे को इतना मालूम नहीं, प्रेम करना चाहिए, कलीसिया को कैसे प्रभु देव प्रेम देते हैं अपना प्राण देकर, वैसे पति लोग प्रेम करना चाहिए, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन प्रभु ने कृपा से बचाया, अभी मुझे मालूम है, अभी ऐसी परिस्थिति आएगा तो मैं तो क्या करूंगा, उनको ही पहले बचा, ऐसा नहीं हम बच जाएंगे वो लोग नाश हो जाएंगे, ऐसा नहीं होते, ऐसा प्रेम करो, जिम्मेदारी भी लेना अधिकार भी जताना, बोले जिम्मेदारी भी लेना है अधिकार भी जताना है, भाई अधिकार क्यों मालूम है, जिम्मेदारी आपका है, आप कितना पैसा कमा रहे हो, कितना आपका बचत है, कितना आपके पास है, उनको तो मालूम नहीं होगे ना, अभी मेरे मिसेस को पूछेंगे कितना आता है आपको पति का, उनको मालूम बोलेंगे मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन क्या है ठीक है पति का दिन रहेंगे, जो जो उस कमा के दे रहे हैं उसको सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे, 100 रुपया भी है बेकार में जाने का नहीं देने का नहीं, बचाना है पैसा है करके उड़ाना भी नहीं, ये सब पत्नी लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए वो ठीक है, मेन बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, मतलब जिम्मेदारी और अधिकार दोनों बराबर चलना चाहिए, जहां पर भी प्रॉब्लम हो रही है मेरे भाई बहन बच्चे लोग किसके कारण प्रॉब्लम हो रही है मालूम है, लोग जिम्मेदारी तो लेंगे नहीं है लेकिन अधिकार जताएंगे, अधिकार आओ मेरे बात मानो, कोई लोग ऐसे डराते रहेंगे छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि मालूम है वो बोलेगा नहीं चला जाओ, अच्छा पति है ना, इसलिए ऐसे भी होते हैं दुनिया में, कभी कभी शैतान क्या कर रहा है लोगों के मन में घमंडी विचार डाल देता है, पति भी हो पत्नी भी हो प्रेम से रहना कैसे सीखना, कैसे मसीह कलीसिया को प्रेम किया, वैसे ही प्रेम से वही यहां पर आगे बता रहे हैं कलीसिया को कैसे प्रेम किया है, 25 में पढ़ना, 25 विषय पर ठीक है ठीक है आगे बाद में पढ़ेंगे, तो प्रेम कैसे करना है, मसीह जैसे कलीसिया को प्रेम किया, कलीसिया को बचाने के लिए अपना आपको दिया है पूरा, देखो पूरा आप समर्पण करना चाहिए, मेरे परिवार है मेरा जिम्मेदारी है मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है करके सताऊंगा नहीं परेशान नहीं करूंगा, लेकिन उनको मैं संभालूंगा, उनको रक्षा करूंगा, उनके समस्या में मैं पहले रहूंगा, मैं अपना आपको उनके लिए समर्पित करूंगा, यही मसीह का विचार है, पहला विचार है अधिकार प्लस जिम्मेदारी, सिर है सिर का एक अधिकार है सिर का एक जिम्मेदारी है, सब अभी इंस्ट्रक्शन कहाँ से जा रहा है, शरीर का कितने अंग है कैसे काम कर रहा है मालूम है ना, ब्रेन में सारे नर्वस सिस्टम है, सारे कंप्यूटर कहाँ पर है, ब्रेन में, कंप्यूटर पैर पे नहीं रखे, पैर पे रखेगा तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं कंप्यूटर गिर के इंसान अनकंट्रोल में हो जाएगा, प्रभु जी ने ऊपर रख दिया एकदम पूरा सिक्योरिटी के साथ, तो सिर वही है यीशु है, कलीसिया शरीर है जुड़ा हुआ है मसीह के साथ, तो वो अगवे है, हम उसके द्वारा रक्षा पाते हैं,
वो कमांड में रहेगा, वो चलाते रहेंगे और चीज साइडन से रहेगा। उसका प्रेम है, उसका प्रेम की आत्मा मुझ में है, उसने मुझे प्रेम किया, मेरे लिए अपना आपको दिया है, उस प्रेम को मुझे स्वीकार करना है। कैसे स्वीकार करेंगे? यहाँ लिख रहे हैं पत्नी लोग कैसे स्वीकार करेंगे पति का प्रेम को, 24 वचन पढ़ना इसी में, 24 वचन। और जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन हैं। पत्नी लोग क्या करना चाहिए? पति के अधीन रहना है। तो बोलेंगे मेरे पति मुझे प्रेम ही नहीं कर रही है पास्टर जी, प्रेम तो करेगी, सबसे पहले अधीन हो जाएंगे प्रेम भी। तो यहाँ पर अधीन रहने के लिए सिक्का रहे कलीसिया भी क्या करे, प्रेम तो करना चाहिए मसीह को, पहले अधीन रहने सीखेंगे, जरूर प्रेम भी जरूर करेंगे। प्रेम करना चाहिए कलीसिया, मसीह को प्रेम करना है। कैसे होना चाहिए? मसीह जो है सिर रहना चाहिए, कलीसिया शरीर बनकर रहना चाहिए। वैसे ही परिवार में पति सिर बनकर रहेगा, पति का जिम्मेदारी है, इसलिए पति का अधिकार है। पत्नी को क्या करना चाहिए, उसको कैसे उसका प्रेम के लिए वो भी अधीन रहें, उस प्रेम के बदले में वो भी प्रेम दें। कैसे कलीसिया भी, प्रेम तो उसके पास है नहीं, मसीह से प्रेम मिलता है, उस प्रेम से वापस हमें प्रेम देना होता है। यही कलीसिया की एक मेन बात है। तो एक बात है, सबसे पहले बात है कलीसिया जो है प्रभु के अधिकार में है, जिम्मेदारी में है, वो कप्तान बनना चाहिए। केवल अर्जेंसी में, इमरजेंसी में बुलाने वाले एक नौकर नहीं है, और एक क्रिसमस फादर नहीं है, और जीनी नहीं है। जीनी क्या है? वो कार्टून में आता है ना अलाउद्दीन वाला में, जीनी, जीनी नहीं है कि इमरजेंसी में बुला लेंगे। वो हमारा कप्तान है, हमारा मालिक है, हमारे जीवन को चलाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझना चाहिए। वैसे पति का भी एक अधिकार होना चाहिए, प्रेम अधिकार। कैसे अधिकार? प्रेम का अधिकार होना चाहिए, जिम्मेदारी लेना चाहिए। केवल मैं अधिकार जताऊंगा ऐसा नहीं, मसीह ऐसा नहीं करता है। यीशु मसीह जिम्मेदारी लेने वाले हैं, अधिकार भी जताएंगे, जिम्मेदारी भी लेंगे। देखो वो कलीसिया को अपना मन मर्जी में जाने नहीं देगा, गलत रिश्ता में, गलत व्यवहार में कलीसिया जाते रहेगा, मसीह देखते हुए वो ऐसा बिना देखते हुए नहीं रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, देखेगा। वैसे पति भी अपने पत्नी को देखते रहते हैं, देखभाल करते हैं। परमेश्वर देखभाल करने वाले, कलीसिया को संभालने वाले, कलीसिया का सिर है, सिर है मतलब इंचार्ज है। वो पहले समझ लेना चाहिए, वो मार्गदर्शक है, संभालेगा, उद्धार करता है। आज आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है मालूम है? कप्तान सीट में यीशु मसीह को बैठाना है। एक छोटा से गाना गाते हैं ना, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथों से नहीं बनती, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी ये दूसरा स्टैंसा इसमें आता है, शैतान अगर ड्राइवर हो तो गाड़ी नरक में जाती। ये छोटा सा गाना है, ये गाना में कितना अच्छा संदेश है मालूम है आपको? जब मैं शुरुआत में ONGC का सामने झोपड़े में प्रचार करते थे, मैं क्या करता था, ऐसे घूम फिर के सब जगह में ये गाना गाते थे ये गाना गाता था मैं। गाना गाते तो 3-4 लोग आ जाते हैं, क्या आए ये ONGC का साहब आए, चलो बैठो, कोई गाना अच्छा गा रहे हैं। फिर मैं उनको बताते एक शैतान होते हैं, प्रभु जी होते हैं, ऐसा ऐसा करके हम समझाते थे। देखो आपका जीवन का प्रॉब्लम है कौन सीट पर सीट पर। अभी बर्मा में एक प्रॉब्लम मालूम है आपको? किसी को मालूम है बर्मा का प्रॉब्लम? बर्मा के लिए प्रार्थना कर रहे कि नहीं? म्यांमार,
भाई करना, 5.5 करोड़ लोग रहते हैं वहां पर, और वहां पर इवन इंडियंस 10 लाख के ऊपर लोग रहते हैं, और वहां पर क्या था, एक डेमोक्रेसी का एक मिनिस्टर प्रेसिडेंट सब चल रहा था, अचानक क्या हो गया, मिलिट्री का अधिकारी लोग पूरा सरकार को अपना कब्जा में खत्म कर ले, पूरा मिलिट्री कोप बोलते हैं वो लोग अपना ले लिए, ये सबका अरेस्ट कर दिए। कोई कोई देश में ऐसे होते हैं, फिर उनका कड़ूस नियम चल रहा है, किसी को इधर उधर जाने नहीं देते हैं, फोन बंद कर देते हैं, इंटरनेट बंद कर देते हैं, कोई भी घर पे आके किसी का अरेस्ट करके ले जाते हैं। एक भाई का वीडियो आया मेरे पास, एक पास्टर जी का, वहाँ बहुत प्रॉब्लम है, प्रार्थना करने के लिए बोल रहे हैं। देखो देश का नेता जो है ना, देश को चलाने वाले हैं, गलत होंगे, पूरा देश को परेशान हो जाता है। एक एक सिर के कारण कितना प्रॉब्लम है कि नहीं, एक हिटलर के कारण क्या हुआ, कितने सारे लोग जर्मन में मर गए, इतने यहूदी लोगों को मार डाला उसने, और देश देश के बीच में कितने लड़ाई उसने कराए। तो ऐसे नेता की जरूरी है, एक परिवार में अच्छा नेता की जरूरी है, कलीसिया में जरूरी है, देश में जरूरी है, कंपनी में जरूरी है, और ऐसा अधिकारी हमें हमको मिला है कलीसिया में। यीशु मसीह अच्छा नेता है, अच्छा चरवा है। यीशु कहते हैं अच्छा चरवा अपने भेड़ों के लिए जान बलिदान देता है, झूठा चरवा क्या करेगा, नौकर के लिए मतलब पैसे के लिए चरवा का काम करने वाला क्या करेगा, भेड़िया आकर के देखेगा, भेड़ों को छोड़ कर चला जाएगा। लेकिन मैं जीवन देने के लिए आया, बहुत आयत के जीवन देने के लिए आया। यीशु मसीह अच्छा चरवा है, तो ये चीज पहले हमको सीखना चाहिए। यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, वो अच्छा चरवा है, नेता है, तभी कलीसिया अच्छा से चलेगा। अरे हमको तो सब आ गए, अभी सिर का जरूरत नहीं करके कभी सिर को हटा नहीं पाएंगे, डुप्लीकेट सिर रख करके जीवन को बर्बाद नहीं कर सकते। देखिए एक चीज है पहला, और दूसरा चीज हम देखेंगे अभी जो वचन पढ़े बच्चे लोग, उसके अगला वचन पढ़ना, कलीसिया के ऊपर प्रेम किया, प्रेम करके उसने क्या किया, वो चीज हम देखने जा रहे हैं। अगला बात पढ़ना, प्रेम रखा, आगे दे दिया प्रेम जो है, मैंने बोला ना प्रेम तो देने वाला प्रेम है ना, अपने आपको दे दिया। आगे आगे बढ़ो, उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करे, शुद्ध करके पवित्र बनाए, कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। तो इसमें देखो कलीसिया को यीशु मसीह ने क्या किया, वचन के जल स्नान से अच्छा से नहा लिया, क्या कर दिया, नहा लिया। और ये नया बच्चे जन्म होते हैं, बच्चों को क्या करते हैं, अच्छा से नहाते हैं, कुछ बिहार में मसाज भी करते हैं, मुझे देखने में डर भी लगता है, इतना दबाते हैं उस बच्चे को शाइनिंग कराने के लिए कि नहीं, तो ऐसा ऐसा गोल गोल रहे, अच्छा से सुंदर रहे। तो यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, उसको पूरा नहा धो करके मसाज करके एकदम क्या कर रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं, वचन से शुद्ध कर रहे हैं। इसलिए वचन को हमें सीखने के लिए हर बार हम मीटिंग में आना है। वचन से क्या होगी, आपके मन के विचार शुद्ध होंगे, क्या शुद्ध होगा, मन का विचार, क्योंकि बचपन से आपके मन में काफी सारे विचार पड़े हुए हैं। देखो किसी का जीवन में कोई प्रॉब्लम है, मैं देखता हूं उस प्रॉब्लम के लिए उस इंसान के अंदर कोई विचार कारण होते हैं। क्या कारण होते हैं, विचार। वो विचार के खातिर शैतान को मौका मिल जाते हैं। अभी कोई कोई जगह पे आप देखे होंगे कितना ये, अभी तो आजकल मच्छर का प्रॉब्लम होते हैं, दूसरा कोई जगह पे देखो मक्खी का प्रॉब्लम होते है। क्या प्रॉब्लम, मक्खी, देखा मक्खी नहीं देखा, देखा। तो देखो आपके घर में मक्खी बार बार आ रहा है, है ना, सपोज आ गया
एक एक मक्खी को मारते रहते हो, मक्खी आते रहते, मारते रहते हो। क्यों मालूम है? बच्चों लोग मिठाई खाए थे, मिठाई का टुकड़ा बहुत सारा पड़ा हुआ है, टुकड़ा का तो साफ ही नहीं कर रहे हो, मक्खी का मारते रहेंगे, वो तो ऐसे वैसे पड़ा रहेगा, मक्खी तो। यही एग्जाम्पल, अच्छे एग्जाम्पल समझाने के लिए कि मन का विचार को जब तक बदलेंगे नहीं है, मक्खी जैसे शैतान का आने का भी मौका को, विचार को आप रोक नहीं पाते हैं, बदल नहीं पा रहे हैं। वो बार बार आते रहेगा, बार बार प्रार्थना कराएंगे, बार बार हम भगाते रहेंगे मक्खी को, लेकिन स्वीट का टुकड़ा आपके मन में है, कौन साफ करेगा? हम कोई समर्पण कर, मसीह साफ करेंगे ना, लिख रहे मसीह अपना आपको दे, वचन को दिए, हम आपको वचन दे रहे हैं, इस वचन मन में घुसने दोगे ना, मन में जो जो शैतान का अट्रैक्ट कर रहा ना, चिंता, उदास, गुस्सा, झगड़ा का आत्मा, ये सब जो है विचार है, जिसके कारण मैग्नेट बन जाता है, क्या बन जाता है, क्या बोलते हैं हिंदी में, चुंबन, चुंबक, सॉरी चुंबन मीन्स किस, ओके, चुंबक बन जाता है, अट्रैक्ट करता है, किसको, किसको अट्रैक्ट कर रहा है, लोकन को, नहीं सही बात है, चुंबक है, लोकन को अट्रैक्ट करता है, तो वैसे विचार क्या करेगा, शैतान को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसलिए मसीह क्या कर रहे हैं, पहले आपके घर के अंदर स्वीट का टुकड़ा को सफाई कर, आपके अंदर विचार है, ये तो आपके माँ बाप ने बोले, दादा दादी ने बोले, नाना नानी ने बोले, उनका पूर्वजों ने बोले, कहाँ से आ गए हैं, हाँ डोसा बनाते हैं, हाँ डोसा बनाने के समय में कैसे बनाते हैं, उनके दादी माँ ने ऐसे ऐसे बनाते होंगे डोसा। भाई इसको घुमाना चाहिए, वो तो ऐसे घुमा रहे, तो मामी भी ऐसे घुमा रही थी, अभी उसका बेटी भी, हस्बैंड पूछ रहे तुम क्या ऐसे कर रहे हो, अरे डोसा में ऐसे ही करना पड़ता है। कहाँ से आ गया भाई, दादी माँ को कहाँ से आ गया पता नहीं, उसका मम्मी से आ गए, तो अभी इसका बच्चा भी बनेगी, वो भी डोसा बनाएगी। ऐसा कोई करते हैं क्या अभी? मालूम नहीं, कभी डोसा बनाते हो देखना चाहिए, मैंने देखा नहीं, मेरे घर खा लेता हूँ लेकिन देखा नहीं। तो ऐसे होता है, कोई आदत है, कोई विचार है, भाई क्यों कर रहे हो, पहले से हो रहा है भाई। तो मसीह का काम है उनके वचन से गढ़ों को गिराते, क्या गिराते हैं, गढ़ों को गिराते, क्योंकि गढ़ मतलब ऐसे विचार, इतना मजबूत कंक्रीट जैसे बन गए, एक छोटा से स्वीट का टुकड़ा नहीं है झाड़ू से निकल पाएंगे, काफी लंबा समय भाषण देना पड़ रहा है, बार बार टोकना पड़ रहा है, बार बार वो पत्थर को अठाना पड़ रहा है मन को साफ, तभी तो यीशु ने कहानी बोला ना, पत्थर वाला जमीन बीज बोने से भी, तो इसलिए अठाना पड़ रहा है, मन के अंदर काम होना पड़ रहा है, वचन से शुद्ध कर रहे हैं और उसके द्वारा आपको चमका रहे हैं। क्यों, वचन को बेचकर आपको क्या कर रहे हैं, चंगाई कर रहे हैं, चमका रहे हैं, हम बेबी को नहा करके क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, हाँ भाई अच्छा कर रहे हैं ना, शुद्ध कर, एकदम तेजस्वी, बढ़िया सुंदर लगेगा बड़ा बनकर। वैसे कलीसिया भी बड़ा बन रहा है, एक कुमारी के समान, एक तेजस्वी कलीसिया, दुल्हिन के समान, दुल्हा मसीह, दुल्हिन कलीसिया, सिर वो है मसीह है, कलीसिया शरीर है, जुड़ा हुआ है, जैसा अभी देखो कभी कभी आप देखे होंगे ना, नया शादी में, आजकल मेरे को मालूम नहीं, हमारे जमाना के बात है, पति मतलब ये लड़का लड़की जब शादी में जाएंगे, चर्च जाएंगे ना, वो ओपन जीप में जाते थे, कैसा जीप में, ओपन, हमारा जमाना में तो बदल गए, थोड़ा अम्बासरन में हम जाते थे, इसलिए हम थोड़ा बच गए। हमारा भाई का जो शादी में मेरे को याद है, ओपन जीप में जा रहा है, वो भी दूल्हा खड़ा है, यहाँ पर भी कुछ लोग देखा मैंने, हॉर्स कार ऊपर बैठ के जा रहे हैं, नहीं तो हॉर्स के गाड़ी में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं मालूम है, सब लोग देखेंगे, अरे दूल्हा कैसे है, दुल्हन
बोलेंगे, अरे यार दूल्हा तो बहुत सुंदर लग रहा है यार, दुल्हन तो बहुत ही दुबली लग रही है, बहुत लंबी लग रही है, छोटी लग रही है, मोटू लग रही है, छोटी लग रही है, काला लग रही है, गोरा लग रही है, अलग अलग बात लोग है क्या करेंगे। दुल्हा और दुल्हन को तुलना करेंगे, क्या करेंगे। अरे बराबर मैच नहीं है, ये बहुत हाइट है लड़का, लड़की बहुत है, और हमारा में भी हमारा जब मेरा शादी हो गए थे सब लोग देख रहे, सब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, अरे लड़की लंबा है लड़का लंबा है, कौन लंबा है पता नहीं चल रहा है यार, दोनों एक सर का, तो ये सब देख रहे हैं। लेकिन मैं उससे थोड़ा लंबा हूँ मैं बता रहा हूँ, तो मैं मोटा भी है इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है, बल्कि लंबाई है। तो मसीह हमेशा हमसे ऊपर है और हम उसकी बराबर में आने के लिए परमेश्वर चाहते हैं, उसके जैसे सुंदर लगेगा तभी अच्छा रहेगा। पति एकदम सुंदर है, पत्नी बदसूरत है, मैच नहीं होगी। पति बहुत अच्छा स्वभाव का है, पत्नी खराब है, मैच नहीं हो रही है, तो मैच कैसे होगी। हाँ अच्छा कपल कैसे बनेगा, बच्चों लोग बोलो बड़ा कैसे होना चाहिए पति पत्नी, मतलब देखने में दोनों एक समान, दोनों सुंदर होना चाहिए, देखने में अच्छा होना चाहिए, मजबूत। इन दिनों में क्या है हमेशा मैं देखता हूँ, हमारे ज़माने में हम लोग हमेशा 25, 26, 27 में हम लोग सब डुबलाई होते हैं, है ना। अभी मैं देख रहा हूँ जितने भी लड़के लोग हैं 15-20 में थोड़ा ठीक है, धीरे धीरे क्या होते हैं, हाँ बेड़ो वो बोल रहे फूल गया। नहीं बेचारा लोग समझ लेना, मेरे बच्चे लोग तो डुबला ही लग रहा है यहाँ पर, तो थोड़ा ध्यान रखो क्योंकि अच्छे लगना चाहिए। पत्नी लोग भी कल आपको शादी, लड़की लोग शादी करेंगे वो ये बने बोलना चाहिए, लड़का क्या बहुत मोटू है, बहुत खाते होंगे, पेटू होंगे, खाने में मज़ेदार होंगे, इसका खाना पकाते पकाते मेरा जान निकल जाएगा, ऐसा बोलने का मौका मत देना। और ऐसा भी है पत्नी लोग भी, मतलब लड़की लोग जो शादी होने वाला है वो भी सोच लेना, ऐसा होना चाहिए मेरे पति तो अच्छा से डुबला पतला अच्छा से बढ़िया से है, अच्छा से वो स्मार्ट है, ब्रिस्क है, मैं भी ऐसे उसके जैसे थोड़ा ब्रिस्क, मतलब आलसी नहीं है ना, आलसी नहीं, ऐसे बाल भी नहीं बनाए है ना, कुछ भी ऐसे ही जैसे सुबह उठे हुए थे वैसे चेहरे से ऑफिस चला गया, ऐसा नहीं होना। तो क्यों करते हैं सब, हम चाहते हैं अच्छा कपल बने, अच्छा से परमेश्वर का दैविक बात को कह रहा हूँ मैं, शारीरिक चीज़ों को ठीक है मैं ऐसे मजाक के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन मेन चीज़ है इसमें, मेन संदेश क्या है, कलीसिया मसीह का मैच हो जाना, क्योंकि कलीसिया और मसीह का एक शरीर है, पति पत्नी जैसे है, दुल्हन दुल्हन जैसे है, और इसका अभी तो हम शारीरिक तौर से मिला नहीं, हम पूरा जाके मिला नहीं, लेकिन एक दिन ज़रूर जाके हम मिलने वाले हैं, पूरा स्वर्ग राज्य में जाने वाले, वहाँ शादी भी होने वाले हैं। कौन सा शादी, कलीसिया और मेमना की शादी के लिए बुलाए गए, रेवोल्यूशन में लिखा हुआ गया, तो इसके लिए तैयारी होते है, तेजस्वी कलीसिया चाहिए, ऐसा डुबला पतला एकदम कमजोर एकदम हरावट, हर दिन बीमारी, हर दिन प्रॉब्लम, हर दिन शैतान, शैतान बड़ा है प्रभु बड़ा है, बोलो प्रभु के सामने शैतान कुछ भी नहीं। तो इतना बड़ा प्रभु है, उसका सामर्थ्य को देखो, शैतान के सामर्थ्य को देखकर डरो मत, उसका आदेश दो, यीशु के नाम से भाग जाएगा। लेकिन उसका तुम इनविटेशन मत देना, चुंबक नहीं रखना, घर पे स्वीट के टुकड़ा नहीं रखना, उसके लिए शरण स्थान नहीं देना, तू मेरा शरण स्थान है करके उसके पास गाना, तुम ही थोड़ा मजा दे रहे, मेरे मन टेंशन में है, दारुक आत्मा प्लीज मुझे शरण स्थान दो, शैतान दारुक आत्मा के साथ ही शैतान
पीछे आके बैठ जाते हैं लोग। इसलिए क्या है, मसीह के पास जाओ, मसीह से वचन पालो, वचन आपको शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, तेजस्मय कलीसिया वचन से शुद्ध करेगा, मन का विचार को सफाई करेगा। जरूरत होने से बुलडोजर भी लगा के क्या करेंगे, कोई कोई विचारों को तोड़ना पड़ता। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वही करता था, बुलडोजर का प्रचारक था वो। लोग दूर को देखे, अरे कड़ूस प्रचारक आ गए, हमको डांटेगा आज। लेकिन बेचारा अच्छा आदमी है, लेकिन ऐसा बुरा नाम उसको इसलिए मिल गया क्योंकि डांटने वाला प्रचार कर रहा था वो। कभी कभी डांटने वाला प्रचारक को लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उनका भी जरूरत, उनको भी प्रभु ने रखा है। वो लोग भी मन के अंदर गढ़ों को तोड़ते हैं, वचन से फिर से नया बनाते हैं, वचन से फिर अंदर प्रभु के लिए नया मकान बनाना है। मन के अंदर ही शैतान के कार्य होते हैं। आज आप लोग कलीसिया में, मेरे भाई बहन बच्चों लोग, आपको परमेश्वर शुद्ध करने के लिए, आपको आप नहीं कर पाएंगे, पास्टर जी मैं शुद्ध रहना चाहता हूँ लेकिन मेरे विचार में अशुद्ध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, कड़वाहट आ जाता है, ऐसे से मेरे पत्नी को मैं प्रेमी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पति को प्रेम नहीं कर पा रहा, मेरे बच्चों को भी श्राप देने का मन आता है, मेरे माँ बाप को भी झगड़ते रहता हूँ, ऐसे से कुछ लोगों के मन में प्रॉब्लम है। तो इसके लिए क्या करो, वचन को पढ़ते रहो, रटन मारो, ध्यान करो। रोज हम दैनिक वचन डाल रहे हैं कि नहीं, मंडे टू फ्राइडे 5 बजे आपको वचन मिल जाएगा। जिस दिन वचन नहीं डाला, भूल गया, तो वहाँ से यूपी से मेरा फोन आ जाते हैं, पास्टर जी आप डाले नहीं क्या? इतना मेरे को, मैं चौंक जाता, क्या नहीं डाले, क्या बोल रहे? तो बाद में पता चलता है बच्चा लोग तो डाल दिया लेकिन शेड्यूल में नहीं रखे। तो ऐसा होता है, तो उसके अंदर प्यासा है, मुझे वचन चाहिए। क्या चाहिए? वचन से सुबह सुबह वो गाय भैंस को खाना खिलाता होगा, साथ ही साथ मोबाइल में सुनते रहता है। कभी कभी आपको टाइम निकालना पड़ता है, सुनो वचन, सुनो वचन से शुद्ध हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेंगे कैसे आपका बातों में बदलावट आ रहा है, आपको सोचों में बदलावट आ रहा है, आपके कार्यों में भी बदलावट आ रहा है। मन में बदलावट नहीं होगा, मार्ग में बदलावट नहीं होगा। मन जैसे रहेगा, मार्ग भी वैसे रहेगा, उसके साथ मंजिल भी वैसे रहेगा। क्या बोला मैंने? मन जैसे मार्ग रहेगा, मार्ग जैसे मंजिल रहेगा। तो कहाँ से तकलीफ है? मंजिल में। मंजिल तो जो मार्ग है उसके हिसाब से मंजिल पहुंचा देगा। सही मार्ग पर जाने के लिए मन में सही बात लगाना है, प्रभु का वचन आपके मन में बैठाना है। आज इसलिए यहाँ पर हम प्रचार कर रहे हैं, मसीह का प्रेम का हम प्रचार कर रहे हैं, मसीह का सिद्धांत समझ लेंगे। आप ये नहीं सोचना है एक इमरजेंसी में काम में आ जाएंगे, बाद में उठा कर फेंक देंगे, ऐसा यीशु जी नहीं है। यीशु जी प्रभु है, यीशु जी दुल्हा है, सिर है, इंचार्ज है, कप्तान है, और हमें उसका अधिकार है। हमें हटाने के लिए, कुछ चीज हटाने के लिए बोलेंगे, हम उसको मना करेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। हमको हटाना है, गलत चीज को हटाना है, जो अट्रैक्ट कर रहा है उस चीज को हटा ले तो जरूर हमें आशीष मिलेगा। तीसरा चीज में एक चीज देख रहे और हम प्रार्थना करेंगे। तीसरा चीज वहां पर देख रहे हैं, कलीसिया को यीशु मसीह पालन पोषण करता है। क्या करता है? पालन पोषण करता है। आगे बढ़ो, इसमें आगे लिखा होगा पति क्या करें, पत्नी को क्या करते हैं, पढ़ना। और जहां पर पढ़ा उसके आगे बढ़ो। और उसे ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें, खड़ी करें, न कलम, न दूरी, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। ठीक है, ये तो बता दिया मैंने, आगे बढ़ो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपने अपने अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। देह के समान कौन है? हाँ, आपका देह है, अभी मेरा देह है। मेरा देह कहाँ है? यहाँ आंटी बैठे। तो अपना देह समझकर पालन पोषण करना। आगे, जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है। अपना आप से प्रेम रखना है कि नहीं? यीशु जी बोलते अपने समान दूसरों को प्रेम रखना। तो अपनों को प्रेम करने वाले पत्नी को प्रेम करेंगे कि नहीं?
पालन पोषण आगे बढ़ना, प्रेम करके आगे। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, बैर नहीं रखा, वर्ण उसका पालन पोषण करता है, पालन पोषण करता है, शरीर को पालन पोषण करता है, सब लोग करता है आगे। ऐसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, कलीसिया के साथ करता है आगे। इसलिए हम उसी के देख, हम उसके शरीर उसके अंग है, हमको पालन पोषण करेगा। जैसे पति अपने पत्नी को पालन पोषण करता है, जैसा सिर देह है, देह को अभी रात में मच्छर काटता है कि नहीं? यहाँ पर आप सोने का समय में मच्छर काटता है तो आपका हाथ क्या कर लेता है? मारता है कि नहीं? सुबह उठ कर देखा, अरे इतना मच्छर मारा मैंने। आपको मालूम ही नहीं है, लेकिन कैसे ब्रेन से कमांड है, रिफ्लेक्स बोलते हैं, अपने आप से वो आ जाता है रिफ्लेक्स। तो वैसे सिर से ऑर्डर आ रहा है, शरीर अपने आप को देखभाल कर रहा है। मतलब मसीह के विचार से जैसे एक पति अपने पत्नी को देखभाल करेगा, पालन पोषण करेगा, उसकी जरूरत को पूरा करेगा, ठीक है ना। तो हमारा जमाने में पत्नी लोग नौकरी में नहीं जाते, बहुत कम से कम जाते हैं आजकल। नौ क्या करेंगे, पत्नी लोग भी थोड़ा कमाने के लिए चले जाते हैं, क्या करेंगे, कम पड़ रहा करके। लेकिन मेनली क्या है, पति को ही कमाना है, परिवार को पालन पोषण करना, जैसे मसीह कर रहे हैं। मसीह हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, जरूरत को पूरा कर रहे हैं, हमारा लिए अपना आपको दे रहे हैं, जीवन की रोटी दे रहे हैं, जीवन के वचन दे रहे हैं, पवित्र आत्मा दे रहे हैं, चंगाई दे रहे हैं, हमारे लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं, हमारे लिए पालन पोषण कर रहे हैं। अपने शरीर समझ कर कोई भी शरीर को बाहर नहीं करेगा, वैसे पति अपने पत्नी को बाहर नहीं करना है, और यीशु मसीह भी कलीसिया को बाहर नहीं करेगा। भले हमारे में गलतियां होते हैं, भले हमारे में, लेकिन साफ तो करेंगे, डांटेंगे भी, लेकिन हमेशा हमको प्रेम करेंगे, हमारा पालन पोषण करेंगे, आखिरी तक करेंगे। दुनिया में सबके लिए प्रॉब्लम होता तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमारा एक मास्टर है, हमारा एक पति है, हमारा आत्मिक दुल्हा है, हमारे शरीर हमको अपना शरीर समझकर हमको रोटी खिलाएंगे, पालन पोषण करेंगे, गड्ढे में गिरने नहीं देंगे, गलत रास्ता में जाने नहीं देंगे, हमारे लिए अपना आपको दे करके हमें रक्षा करेंगे। हमारा पालनहार है, हमारा पोषण करने वाले हैं, हमें कपड़ा पहनाने वाले हैं, हमें खाना खिलाने वाले हैं, हमें अंत तक चलाने वाले हैं, अंत तक पालन पोषण करेगा। बाइबल में लिखा है, मैं जवान था, मैं बूढ़ा भी हो गया, लेकिन कभी भी धर्मी जन को त्यागे हुए और उनके बच्चे रोटी के टुकड़े मांगते हुए मैं कभी देखा भी नहीं, देखा देख भी नहीं पाएंगे। हमेशा प्रभु मेरा पालन पोषण करेंगे। जैसा हमको मालूम है, जब लॉकडाउन में कितनी समस्या हो रहे थे हम लोगों को, कभी कभी हम लोग को तो उस जगह में वो भी दुकान भी नहीं था, सब्जी का दुकान 1 किलोमीटर दूर पर थे, हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होते थे। अच्छा हो गया हमारा गार्डन से ही सब्जी प्रभु हमको दे दिया, और कलीसिया के लिए भी लेकर आने के लिए प्रभु हमको मदद किया। प्रभु हमें देखभाल करते, कोई भी परिस्थिति में हम भूखा नहीं रहने देंगे। बाढ़ के परिस्थिति आया था एक बार पाल में, 4-5 दिन बाढ़ पूरा घूम घेर लिया घर को, बाहर नहीं निकल पाए। परमेश्वर हमें संभाला, हमें पालन पोषण किया, भूखा मरने नहीं दिया। परमेश्वर मददगार है, परमेश्वर हमें मदद देंगे, कैसे भी देंगे। हाँ, कवा से भी खाना खिलाए कि नहीं, बाइबल में लिखा है कि नहीं? हाँ, स्वर्गदूत की खाना मिलेगा। अगर आपके पास खाना नहीं है, स्वर्गदूत आके खाना आपको दे सकते हैं। पास्टर जी मुझे कहाँ आएगा, मैं तो पापी हूँ, ऐसा सोचेंगे आपके विश्वास के अनुसार, क्या वैसे होगा, कैसे होगा? हमारे विश्वास के अनुसार हो जाएगा। और नहीं, मैं प्रभु का बच्चा हूँ, मुझे भी मिलेगा। स्वर्गीय दूत की गाना में गाए थे ना, दूतों का पहारा मिलेगा, मेरे पावों को पत्थर से टेस लगने से वो हाथों से उठा लेगा, नहीं लगने देंगे। तो ये विश्वास करेगा उसके हिसाब से होगा। स्वर्गीय दूत आपको रास्ता पे बचाएगा, सांप अजगर को तो बिल्कुल कुचा लेगा, वो तेरे ऊपर कुछ नहीं करेगा, वो देखभाल करेगा। ये विश्वास आपको होना चाहिए, मेरा मिस्टर है, मतलब मेरा आत्मिक मिस्टर है, मेरा प्रभु है, मेरा मालिक है, मेरा गुरु है, मेरा टीचर है, मेरा पति जैसे आत्मिक दुल्हा है, वो मुझे जीवन के अंत तक देखभाल करेगा। वो मेरे हाथों को पकड़ा तो हाथों को कभी भी नहीं
छोड़ेगा। क्या करते हैं पति पत्नी शादी होके आते पहले क्या करेंगे, पति क्या करेंगे, पत्नी का हाथों को प्रेम से पकड़ना है। पकड़ के क्या बोल रहे हैं, उससे क्या संदेश दे रहे हैं, जिंदगी भर मैं आपका हाथ पकड़ के जाऊंगा, कभी भी हाथ नहीं छोड़ूंगा। वैसे प्रभु जी हमारा देखभाल करेगा, पालन पोषण करेगा। आज का संदेश है, डबल संदेश मैंने यहाँ पर दिया है। मेन संदेश है कलीसिया और प्रभु का संबंध है। इसका छोटा बाई प्रोडक्ट है, छोटा का संदेश वो भी जरूरी है, पति और पत्नी का संबंध। वैसे कोई भी जगह पे होते हैं, कलीसिया भी हो, कोई भी कंपनी भी हो, लीडरशिप और जो फॉलोअर उनका बीच में ऐसे ही सही संबंध होना चाहिए। बात मानने वाला होना चाहिए, प्रेम से चलाने वाला चाहिए। परिवार में ये नहीं होना चाहिए मैं हुक्म चलाऊंगा तुम मेरे नीचे बैठो ऐसा करके। यीशु जी मालिक होते हुए क्या किया मालूम है आपको, यूहन्ना 13 अध्याय में पढ़ोगे पता चलेगा क्या करते हैं यीशु मसीह, चेलों के पावों को धो रहे। दुनिया में नेता लोगों को देखो क्या करेंगे, हाँ सब मेरे पाव को धोना। हमारा तमिलनाडु में एक साधु एक संत है दूसरे धर्म का, उसका क्या करते माले में उसके फॉलोअर्स क्या करेंगे, उसका गंदा शरीर नहा धो करके वो पानी को लेके वो लोग बोलने में भी शर्म आती है मुझे वो गंदा पानी का वो लोग पीते, सोचते इसे पवित्र हो जाएंगे। कैसे पवित्र होंगे अशुद्ध पानी को पीते, कैसे लोग सोच रहे हैं। लेकिन हमारे यीशु जी को देखो क्या कर रहे हैं, चेले लोगों के पावों को धो रहे हैं और कहते हैं मैंने जैसे आपको सेवकाई दिखाए, मैंने नमूना दिखाए, सेवा लेने के लिए नहीं आया सेवा देने के लिए आया हूँ, आप लोग भी वैसे सेवा करना है। ऐसे यीशु जी हमें शिकार ऐसे देखभाल करना चाहिए, ऐसे प्रेम का अधिकार होना चाहिए, प्रेम से अधिकार चलना चाहिए। इसके बारे में रविवार में हम और भी ज़्यादा मनन करेंगे, जैसे लीडरशिप क्या होते हैं, नेतृत्व क्या होता है उसके बारे में मनन करेंगे। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। ये जो बात आज हमने सीखा है, 3 बात मैंने बोला है, परमेश्वर कलीसिया को क्या करते अगुवाई बनकर वो डायरेक्शन दे रहे, रास्ता दिखा रहे, चला रहे, उद्धार करता है। और दूसरा चीज़ है हमें शुद्ध करके एकदम चमका देते हैं, सुंदर बना देते हैं। तीसरा चीज़ है अंत तक देखभाल करेंगे। तीनों चीज़ याद रखेंगे बच्चे लोग, हाँ करेंगे कि नहीं, हाँ विश्वास करेंगे यीशु मसीह पर, हर बात में विश्वास करो मेरा प्रभु है मुझे देखभाल करेंगे। मनुष्य भी हाथ छोड़ देंगे लेकिन मेरा प्रभु कभी भी मुझे हाथ नहीं छोड़ेगा क्योंकि मैं उनका शरीर हूँ। अपना शरीर को कोई पत्थर से मारेगा ऐसे ऐसे पागल लोग ही करेंगे। दुनिया में जो जिसका स्वस्थ बुद्धि नहीं वही करेगा, तो इसलिए मसीह ऐसा नहीं करेगा। मसीह हमको प्रेम करेगा, हमको अपने लिए दिया है, हमारे लिए सब कुछ क्यों नहीं देगा। आइए हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे अपने अपने स्थान पर। हालेलुया। गुड़ने टेक सकता तो गुड़ना टेको, नहीं तो खड़ा होना तो खड़ा हो जाओ, जैसा आपका चलता है। प्रभु को समर्पण करो, प्रभु मैं आपके दुल्हीन बनकर रहना चाहता हूँ, आपके शरीर में बन गया हूँ, आप मेरा सिर है, आपके बात मानकर मैं चलूँगा प्रभु, आपके राह पर चलूँगा, आप मेरा मालिक है, आप सब चीज़ सही ढंग से चलाने वाले हो, आपके पास अधिकार है, आपका जिम्मेदारी है प्रभु। हालेलुया, आप मेरे जीवन का रक्षक है, जीवन को चलाने वाले हैं। हालेलुया, स्वर्ग पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, मेरे भाई बहन बच्चे लोगों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज जो अद्भुत संदेश है प्रभु कलीसिया को, वो कैसे प्रेम किए, मसीह प्रेम किए हैं, उसके लिए अपना आपको दिए हैं, शुद्ध किए हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, अंत तक करेंगे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज मेरे भाई बहन बच्चों को सबको शुद्ध पवित्र कीजिए, निर्मल दूध से पालन पोषण कीजिए, अच्छा उद्धार का कपड़ा पहना दीजिए, अच्छा से चमकाइए प्रभु जी, किसी के अंदर कोई भी दोषित मन ना रहे, कोई भी अशुद्ध चीज़ ना रहे, कोई भी झगड़ा का आत्मा ना रहे, चिंता के आत्मा ना रहे, कोई भी अशुद्ध बात ना रहे, घमंडी बात ना रहे, प्रेम से चलने वाले रहें। सबका आशीष देते हैं,
सबके ऊपर यीशु का लहू छिटकाते हैं, सबको पवित्र कर निर्दोष निर्मल निष्कलंक बनाइए, आपका जैसे बनाइए प्रभु जी, आपका जैसे मजबूत बने, शुद्ध बने, पवित्र बने, प्रेमी बने, नम्र बने, आपके जैसे प्रभु जी ताकतवर बने। एक एक काम आपके हाथ में समर्पण करते हैं, जो भी बीमारी के साथ आए आज आए हैं, यीशु मसीह के नाम से बीमारी दूर हो जाए, चंगाई हो जाए यीशु के नाम से, बुद्ध भाग जाए यीशु के नाम से, मन शुद्ध हो जाए यीशु के नाम से। एक परिवार में आशीष को घोषणा करते हैं, आपके हाथों में देता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा का संगति हम सबके साथ हमेशा बना रहे हैं।